हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं अजय सिसोदिया आपके लिए लाया हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि HTML क्या है, HTML क्यों यूज किया जाता है। आजकल आप देखेंगे तो HTML CBSE बोर्ड में 9th 10th या छोटे छोटे स्कूल के बच्चों की पढ़ाई जाने लगा है। और आखिर इसका यूज क्या है, क्यों यूज करते हैं हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो आज हम यही जानेंगे। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन HTML। फ्रेंड्स, HTML का यूज क्यों किया जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है। HTML इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो आपके वेबसाइट वेब पेजेस बनाए जाते हैं, वो वेब पेजेस जो कंटेंट डिस्प्ले करना होता है, किस तरह कौन सा कंटेंट कैसे डिस्प्ले होगा, वो हम HTML में टैग का यूज करते हैं, तब वो कंटेंट वहाँ पर डिस्प्ले होता है। दरअसल क्या होता है, जब हम HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो HTML डॉक्यूमेंट्स हम क्यों बनाते हैं कि एक तो आपका ब्राउज़र होता है, आपके जो ब्राउज़र्स हैं जैसे मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, सफारी हो गया, तो वेबसाइट हमारी, जब वेबसाइट हम ओपन करते हैं, वेबसाइट सर्च करते हैं, तो वो ब्राउज़र में करते हैं। ब्राउज़र वो पेजेस का जो कंटेंट्स हमें शो करता है, डिस्प्ले करता है। तो वेबसाइट बनाने के लिए HTML डॉक्यूमेंट आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें हम टैग्स का यूज करते हैं, जैसे हेड टैग हो जाएगा, HTML टैग हो जाएगा, बॉडी टैग हो जाएगा। और ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र इन टैग्स को ही रीड करता है। आपके जितने भी मोज़िला फायरफॉक्स, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, सारे ब्राउज़र्स होते हैं, आपको जो ब्राउज़र होते हैं ये HTML टैग्स को ही रीड करते हैं, और उस HTML टैग से ही इनको पता चलता है, ये पता लगाते हैं कि मुझे कंटेंट किस तरह डिस्प्ले करना है ब्राउज़र में। तो फ्रेंड्स, HTML की फुल फॉर्म अगर देखें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, और इसका यूज़ ये होता है कि जब हम वेबसाइट, आजकल देखा होगा आपने, बड़ी बड़ी वेबसाइट बनती है, हर बिजनेसमैन हो गया अपनी वेबसाइट अलग बनाता है, और कुछ आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखेंगे तो सबकी आजकल अलग अलग वेबसाइट बनती है। तो वेबसाइट जो क्रिएट होती है, वेबसाइट जो बनाते हैं, तो वो HTML का यूज करके ही बनाई जाती है। क्योंकि आप जब आप कोई भी देख लीजिए, आपने देखा होगा बहुत सारी साइट्स सर्च की होंगी, सर्फ की होंगी, आपने क्रोम ब्राउज़र यूज करके, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करके, या कुछ लोग हैं मोज़िला फायरफॉक्स या सफारी, जो भी ब्राउज़र यूज करते हैं उनमें वेबसाइट का एड्रेस डाला जाता है एड्रेस बार में, और वेबसाइट डिस्प्ले हो जाती है, तो वेबसाइट के पेजेस आपके सामने होते हैं, जो आप ऊपर क्लिक करते हैं तो पेज, जिस पेज पर क्लिक करते हैं, लिंक पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पेज खुल जाता है। इस तरह जो वेबसाइट होती है आपके बहुत सारे पेजेस से मिलकर बनती है, एक वेबसाइट बनाने के लिए एक या एक से ज़्यादा पेजेस आप बनाते हैं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब, रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। और अब आते हैं HTML पर। HTML आपकी जो ब्राउज़र होते हैं वो HTML टैग्स को ही रीड करते हैं। तो HTML हम डॉक्यूमेंट, सबसे पहले हमें HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ता है, और HTML को हम जब सेव करते हैं तो वो .HTML एक्सटेंशन लगाकर ही सेव करते हैं। तो HTML, अब क्वेश्चन उठता है कि HTML कहाँ लिखा जाता है, तो HTML लिखने के लिए हमें एडिटर्स की आवश्यकता होती है, एडिटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एडिटर आपको कहाँ से मिलता है, तो एडिटर आपको नोटपैड, आपका इज़ एन एडिटर जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आपके सिस्टम में जब विंडो इंस्टॉल की जाती है वो उसी के साथ आता है। तो आप उस एडिटर को यूज कर सकते हैं, नोटपैड को यूज कर सकते हैं, या आजकल आप नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस भी एक अच्छा एडिटर है जिसमें आपको मार्कअप लैंग्वेज को अलग तरह से, जैसे टैग्स में कलर, थोड़ा सा कलरफुल वो टेक्स्ट दिखा देता है कि ये आपके इस तरह से लैंग्वेज है, इस तरह ये मार्कअप, ये वाला है, ये वाला है, उसमें काफ़ी चीज़ें एक्सटर्नल चीज़ होती है।
और आप सबलाइन यूज कर सकते हैं एडिटर। तो आइए, आप पे डिपेंड करता है, अगर कोई दो सबलाइन नहीं है और नोट पैड प्लस प्लस नहीं है तो आप आपकी विंडो में आप स्टार्ट में जाकर आप सर्च कर सकते हैं। विंडो 7 यूज करते हो, 8 यूज करते हो या विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो आप देखेंगे विंडो में नोट पैड होता है, वो सबको पता होता है। नोट पैड आप ओपन करेंगे, उसमें आप ये HTML टैग्स लिखेंगे और इस तरह से आपका ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा और आपको उसको सेव करना है .html .html कोई भी नाम दे लीजिए, पहले इंडेक्स इंडेक्स नाम, जैसे आपने इंडेक्स नाम दिया तो .html आपको लगाना पड़ेगा। ब्राउज़र इसी से रीड करेगा कि ये HTML डॉक्यूमेंट्स है, तो ब्राउज़र आपके HTML डॉक्यूमेंट्स को रीड करता है इस तरह से। अब आपने क्या करना है कि आप ये आपका जो HTML है, आपको ये पता चलेगा कि HTML क्यों हम लिखते हैं। दरअसल HTML लिखा जाता है वेबसाइट बनाने के लिए। जब आप HTML में टैग्स का यूज करके जो लिखते हैं, आप उसमें कंटेंट देते हैं, तो आप ब्राउज़र को आप बताते हैं कि टैग्स लिख कर ये बताते हैं कि ये जैसे H1 टैग होता है, ये हेडिंग के लिए होता है, P टैग होता है आपका पैराग्राफ के लिए होता है। अगर आप H1 यूज कर रहे हैं तो आप ब्राउज़र को बताते हैं, ब्राउज़र से करवाना चाहते हैं कि ये भाई इसको हेडिंग की तरह यूज करें और P पैराग्राफ की तरह यूज करें, तो ब्राउज़र यही टैग, ब्राउज़र को यही समझ में आता है, टैग्स को ही पढ़ के वो आपके कंटेंट को डिस्प्ले करता है। तो फ्रेंड्स, तो HTML बहुत HTML आपका बेसिक है वेबसाइट बनाने के लिए। तो जब आप वेबसाइट बना शुरू की जाती है, वेबसाइट बनाते हैं तो HTML से ही शुरुआत होती है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि ब्राउज़र में आप जो भी पेज चलाएंगे, वेबसाइट का पेज जो डिस्प्ले होगा तो वो आपका HTML ही पढ़ता है। जितने भी आप वेबसाइट खोलते हैं, जो भी पेज खुलता है, उनका हर पेज का HTML होता है, HTML डॉक्यूमेंट होता है। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आप पहले से जानते हैं। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस यूजिंग मार्कअप। तो HTML डिस्क्राइब करता है वेब पेज जो होते हैं उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहा है मार्कअप लैंग्वेज से, कि ये मार्कअप लैंग्वेज, ये मार्कअप आपके डॉक्यूमेंट्स, ये मार्कअप लैंग्वेज यूज हुई है इस तरह से। HTML एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML पेजेस। HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं HTML पेजेस के। जो आपने HTML पेज बना रहे हैं तो HTML पेजेस बना रहे हैं तो ये आपके HTML एलिमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं HTML पेज के, ठीक है। एलिमेंट आपका जो HTML पेज बनाया था उसमें आप एलिमेंट्स का यूज करते हैं, एक एलिमेंट यूज किया, दूसरा एलिमेंट यूज किया, तीसरा एलिमेंट यूज किया, ऐसे ही आप कंटेंट को किस तरह दिखाना चाहते हैं, बहुत सारे आपके एलिमेंट्स यूज करते हैं आप HTML पेज में। तो HTML पेज में बहुत सारे एलिमेंट यूज करते हैं, इस तरह से HTML पेज आपका तैयार हो जाता है। HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। HTML एलिमेंट्स को किस तरह रिप्रेजेंटेड किया जा सकता है, टैग्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। कि ये आपका ये HTML है, पी HTML है, पैराग्राफ HTML एलिमेंट है, सॉरी ये पैराग्राफ एलिमेंट है, ये एलिमेंट है ना टैग्स के द्वारा। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आपका टैग्स लिख रहे हैं HTML डॉक्यूमेंट्स में, जो आप टैग यूज कर रहे हैं, वो आपके टैग्स ब्राउज़र उनको डिस्प्ले नहीं करेगा। ये टैग्स जो HTML डॉक्यूमेंट्स में आप लिख रहे हैं, ये ब्राउज़र पर डिस्प्ले नहीं होंगे, बल्कि टैग के अंदर जो आप कंटेंट लिख रहे हैं वो कंटेंट डिस्प्ले होगा ब्राउज़र में, ब्राउज़र बॉडी में वो आपका कंटेंट डिस्प्ले होगा। टैग सिर्फ इसलिए होता है कि ब्राउज़र को ये पता चल जाता है, ये पता चलता है टैग रीड करके कि ये मैं जो कंटेंट आप लिख रहे हैं इसमें एलिमेंट्स में जो कंटेंट दे रहे हैं वो किस तरह से डिस्प्ले होना है। तो टैग को पढ़कर रीड करके ही वो ब्राउज़र उसको इस तरह कंटेंट को वहाँ पर डिस्प्ले करता है। अब फ्रेंड्स आगे देते हैं कि किस तरह सोर्स कोड आपका किस तरह होता है और आपका ब्राउज़र में वो कैसे डिस्प्ले होता है। यहाँ मैंने दो एग्जांपल आपको दिए हैं, एक आप टॉप पर देख रहे होंगे, ये मैंने आपको नोटपैड में लिखकर दिखाया है कि किस तरह से आपका HTML लिखा जाना है और ये ब्राउज़र में, कि ब्राउज़र जब आप खोलेंगे तो उसमें किस तरह रेंडर होगा ये कंटेंट। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। सबसे पहला आता है डॉक टाइप HTML। इसका क्या मीनिंग होता है, डॉक टाइप क्यों यूज करता है, क्यों इसको डिफाइन क्या करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पर ये सिंगल लाइन होता है डिक्लेरेशन, और ये डॉक टाइप मीन्स होता है डॉक्यूमेंट टाइप HTML। तो डॉक्यूमेंट टाइप
आप सबसे पहले डिफाइन ऊपर करेंगे, इससे पता चलता है, इससे ब्राउज़र को पता चलेगा। या आप ये कह सकते हैं कि जो पहले HTML वर्जन था पुराना, उसमें आपके कुछ टैग को रिमूव कर दिया गया और कुछ इसमें एडिशनल ऐड कर दिए गए। तो अब जो नया HTML आया उसको HTML5 बोलते हैं। तो अब HTML5 आ चुका है जिसमें आपके नए टैग्स इंक्लूड हो चुके हैं, कुछ आपका नया वर्जन आ चुका है HTML का, आपके न्यू टैग्स आपके कुछ इसमें ऐड कर दिए गए हैं, कुछ रिमूव कर दिए, जैसे वीडियो टैग होता है और ऑडियो टैग, आपके ऐसी कई काफ़ी टैग इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो जब आप ये आप ऊपर डिक्लेयर करेंगे डॉक टाइप HTML, तो इससे क्या होगा, वो सारे टैग्स जो होंगे आप प्रॉपरली काम करेंगे ब्राउज़र में, तो डॉक डॉक्यूमेंट टाइप, तो इसका इट मीन्स होगा कि आप HTML5 में काम कर रहे हैं, जो लेटेस्ट वर्जन है ऑफ HTML है उसमें आप काम कर रहे हैं। तो उसमें जितने भी आपके टैग्स नए इंक्लूड हुए होंगे HTML, वो सारे इसमें प्रॉपरली रेंडर होंगे। दोस्तों फिर आता है आपका HTML, आप यहाँ भी देख सकते हैं नोट पैड में, सबसे पहले मैंने HTML लिया है। HTML टैग आपका डॉक्यूमेंट, जब आपका डॉक्यूमेंट स्टार्ट होगा ये आपका सबसे पहले HTML आता है। तो HTML आपका रूट एलिमेंट मतलब कि यहाँ से जाने का रास्ता है, ब्राउज़र जब आपको रीड करेगा तो वो इस HTML को सबसे पहले पढ़ेगा, फिर उसके अंदर जाएगा। तो उसको पहले तो HTML मिलना चाहिए टैग, दिस इज स्टार्ट टैग, जो HTML स्टार्ट टैग होगा, फिर लास्ट में एंड टैग होना चाहिए इस तरह से। ये देखिए सबसे पहले आपके पास है HTML यानी स्टार्ट टैग, और सबसे लास्ट में आप देखें क्लोज करना पड़ता है इसको, HTML और स्लैश लगा दीजिए, ये आता है एंड टैग, ठीक है, स्टार्ट टैग और एंड टैग। अब इन दोनों से उसको पता चल जाएगा कि ये आपका रूट है, यहाँ से शुरू हो रहा है और ये आपका क्लोज हो रहा है, यानी इसके बीच में मुझे रीड करना है। अब ब्राउज़र आगे जाएगा तो इसमें आपको HTML दो टैग मिलेंगे, एक तो आपको हेड टैग मिलेगा और एक आपको, सॉरी बैक हो गया, इसको वापस करते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हमारे। तो फ्रेंड्स आपको ये देखना है कि HTML जो आप यूज़ कर रहे हैं ये रूट एलिमेंट होता है, सबसे पहले ये लिखा जाता है जैसे नोट पैड में लिखा गया। उसके बाद दो एलिमेंट होते हैं, एक तो हेड एलिमेंट होता है और एक हेड के बाद एक बॉडी एलिमेंट होता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर हेड और बॉडी दो होंगे, हेड के अंदर क्या होगा, टाइटल होगा, हेड के अंदर आपने टाइटल लिखा है, ये देखिए ये हेड मैंने स्टार्ट किया और हेड यहाँ पर क्लोज कर दिया है, हेड स्टार्ट और हेड क्लोज। तो हेड स्टार्ट, ये स्टार्ट टैग हो गया हेड का और ये क्लोज टैग हो गया आपका, है ना, ये एलिमेंट, ये मिलकर एलिमेंट कहलाएगा, इसका कंटेंट, ये पूरा कंटेंट इसका। तो आपको ये हेड में स्टार्ट टैग हो जाएगा और ये हेड में स्लैश लगाएंगे तो एंड टैग हो जाएगा, और इसके बीच का जो पार्ट होगा ये कंटेंट होगा, ये इसका कंटेंट है। ब्राउज़र ने रीड किया हेड और हेड के अंदर जब ये आएगा तो हेड के अंदर की चीज़ों को पढ़ेगा वो, तो हेड के अंदर देखेगा कौन सा टैग है उससे, और ब्राउज़र को मिलेगा ये टाइटल आपने टैग दिया हुआ है। तो ब्राउज़र इसको समझेगा कि यहाँ टाइटल टैग से वो समझ जाता है कि ये जो कंटेंट है ये मुझे टाइटल की जगह लिखना है। तो आप यहाँ ब्राउज़र में देख सकते हैं कि ये पेज कंटेंट यहाँ टाइटल की जगह आ जाएगा, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये टाइटल। फिर अब हेड कंप्लीट हो गया, ब्राउज़र बॉडी में आएगा। बॉडी आप जो देख रहे हैं, बॉडी क्या है पहले बता देता हूँ, बॉडी क्या होता है ब्राउज़र में, जो आपका ब्राउज़र है मोज़िला हो या कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, क्रोम हो, सफारी हो, ये सारे ब्राउज़र्स होते हैं। ब्राउज़र में इनके जो वाइट वाला पोर्शन होता है, दिस वन, ये पूरा ये यहाँ से ले जाकर, ये ले जाकर ये वाइट वाला जो पोर्शन है ये इट इज़ कॉल्ड बॉडी, ये बॉडी कहा जाता है, ये बॉडी होता है। तो ये बॉडी आपका कहाँ से, ये आप बॉडी आप कहाँ से पढ़ेंगे इसमें, ये बॉडी पढ़ेंगे, ये बॉडी, दिस इज़ बॉडी टैग, यानी बॉडी टैग आप देखेंगे तो बॉडी टैग ये और यहाँ क्लोज हो गया। तो जो भी बॉडी टैग के अंदर ये एलिमेंट, बॉडी एलिमेंट हो जाएगा, बॉडी ये स्टार्ट टैग हो जाएगा, बॉडी एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट में आपका स्टार्ट टैग और ये एंड टैग, इसके बीच में सारा कंटेंट है, कितना ही लिख लीजिए आप। अब ये आपका बॉडी, तो ये बॉडी का पार्ट कहाँ डिस्प्ले होगा, इस बॉडी के अंदर डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये बॉडी है, इट इज़ कॉल्ड बॉडी। तो जो भी इस बॉडी के एलिमेंट के अंदर जो भी आप लिखेंगे कंटेंट, वो आपका इस विंडो में वाइट वाले पोर्शन में डिस्प्ले होना है। अब जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, यहाँ हमने H1 लिखा है और H1 यहाँ पर एक आपका H हेडिंग, ये आपका ये एलिमेंट है, आपका हेडिंग एलिमेंट है। तो हेडिंग एलिमेंट में आपके दो
ये टैग्स होंगे, इसमें टू टैग्स होंगे, जैसे एच वन आपका स्टार टैग हो गया और एच वन आपका एंड टैग हो गया, और बीच में आपका कंटेंट आ गया। तो ब्राउजर को क्या पता चला इसे, ब्राउजर को पता चला कि ये जो कंटेंट है बीच का, इसको मुझे हेडिंग बनाना है। तो उसने क्या किया कि इसको माई फर्स्ट हेडिंग को इसने हेडिंग बना दिया, जो हेडिंग उसको बनाना चाहिए था उसने वो हेडिंग बना दिया है। नेक्स्ट में आपका पी होगा जो पैराग्राफ होगा, और अब ब्राउजर को पता चलेगा कि नेक्स्ट पैराग्राफ दिया जा रहा है, तो इस टैग से वो रीड करेगा कि ये जो माय फर्स्ट पैराग्राफ है ये आपका नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा। तो अब वो आपको एक स्पेस देगा, नेक्स्ट पैराग्राफ के रूप में इसको लिख देगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, ये आपका सोर्स कोड हो जाएगा, सोर्स कोड होगा ये जो आपका नोट पैड है। तो दोस्तों इस तरह आप नोट पैड, ये मैं नोट पैड प्लस प्लस में काम किया है, और आप नोट पैड विंडो से ले सकते हैं। स्टार्ट में जाकर नोट पैड को आप एडिटर कोई भी हो, लिखना आपको इसी तरह से है, ये तरीका होता है लिखने का नोट पैड में। अगर आप सिंपल नोट पैड देखेंगे विंडो में जो बाई डिफ़ॉल्ट होता है, उसमें आपका जो टैग्स होंगे वो इस तरह से आ रहे ही नहीं होंगे। जैसे आप देख रहे हैं ब्लू कलर आ रहा है, इसमें एक्शनल फीचर्स होते हैं, तो आप इसलिए अगर इसको यूज करेंगे तो बेटर होगा, इससे साफ पता चल जाता है ये टैग्स यूज हो रहे हैं। चलिए कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। आपने जो ये लिखा है HTML, उसका रिजल्ट आपका ये होगा। आपने इसमें जो HTML रूट ब्राउजर इसको रीड करेगा, यानी HTML डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेगा वो, तो HTML डॉक्यूमेंट्स को रीड करेगा, उसके अंदर देखेगा हेड टैग पड़ेगा, हेड के अंदर देखकर टाइटल क्या है, तो वो टाइटल की जगह आपको टाइटल दे देगा, और हेड में वो भी काफ़ी चीज़ होती है बाद में बताएंगे। या आपको बॉडी के अंदर क्या क्या रखना है, क्या क्या आपको कंटेंट डालना है, वो सारा इसके अंदर आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये था सिंपल डॉक्यूमेंट। अब आता है आपका, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन पहले ही कर दिया है, दोबारा देख लेते हैं। डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइन दिस डॉक्यूमेंट टू बी HTML5। ये डॉक टाइप HTML क्या डिक्लेरेशन जो डिफाइन कर रहा है, क्या डिफाइन कर रहा है, तो ये डिफाइन कर रहा है कि ये आपका HTML5 में काम कर रहे हैं, जो लेटेस्ट वर्जन है जो आजकल चलता है IT कंपनीज में। अगर आप देखेंगे तो इसी में काम चलता है आज की डेट में। HTML एलिमेंट इज रूट एलिमेंट ऑफ द HTML पेज। ही मैंने अभी पहले बताया था आपको, जो HTML पेज होता है आपका, उसका जो रूट एलिमेंट होता है वो आपका HTML होता है। हेड एलिमेंट, हेड HTML के अंदर हेड यूज हो रहा है, तो हेड एलिमेंट कंटेंस मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की जो मेटा इन्फॉर्मेशन होती है डॉक्यूमेंट के बारे में, ये मैं आपको बाद में डिस्प्ले करूँगा, आप बाद में समझाऊंगा मेटा इन्फॉर्मेशन किस तरह की होती है। इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन रखेंगे। तो एलिमेंट कंटेंस मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट के बारे में जो मेटा इन्फॉर्मेशन होती है वो हेड के, वो भी हेड के अंदर आती है। टाइटल होता है, मैं अभी बताया आपको, जो टाइटल लिखा है वो टाइटल भी हेड टैग के, हेड एलिमेंट के अंदर आएगा, हेड एलिमेंट के अंदर। और बॉडी एलिमेंट कंटेंस द विजिबल पेज कंटेंट, ये बॉडी जो आपने लिखा, जो भी आपका वाइट पोर्शन होगा ब्राउजर में, जो भी आपको डिस्प्ले करना है वो बॉडी के अंदर आना है, यानी वो विजिबल पेज कंटेंट हो गया। जो आप विजिबल का मतलब हो गया कि आप जो भी ब्राउजर विंडो खोलेगा उसमें आपका ये टेक्स्ट पूरा जितना भी लिखेंगे वो विजिबल होगा, हर कोई पढ़ पाएगा उसको। H1 एलिमेंट डिफाइंस अ लार्ज हेडिंग, H1 लार्ज हेडिंग के लिए होता है। पी एलिमेंट का डिफाइन करता है, पैराग्राफ के लिए करता है। तो ऐसे बहुत सारे टैग हो जाएंगे इसी तरह से। एलिमेंट एलिमेंट क्यों कहा जा रहा है, एलिमेंट इसलिए कहा जा रहा है कि मैंने आपको HTML एलिमेंट बोला है, तो इसका मतलब ये इसमें दो टैग होंगे, तो HTML आपका स्टार टैग होता है और /HTML आपका एंड टैग होगा। अब जैसे H1 एलिमेंट बोला इन्होंने, H1 एलिमेंट डिफाइंस अ लार्ज हेडिंग, ये हेडिंग हेडिंग बोलेगा, पैराग्राफ बोलेंगे, तो एलिमेंट्स में आपका एक स्टार टैग होगा, एक एक एंड टैग होगा, और बीच में कंटेंट होगा। आगे चलते हैं। HTML टैग्स, जो मैंने हमने देखा था अभी टैग्स के बारे में पढ़ा है, तो हम देख लेते हैं उसका डिक्लेरेशन देख लेते हैं, टैग किस तरह बनता है। HTML टैग्स आर एलिमेंट नेम्स, HTML टैग्स आर एलिमेंट नेम्स सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स। तो एलिमेंट क्या होता है, देखो अब ये एलिमेंट आएगा, सबसे पहले स्टार टैग होता है यानी टैग का नाम होता है, फिर उसमें कंटेंट होता है, और लास्ट में टैग नेम सेम होगा, टैग का नाम सेम होगा, बट यह स्लैश लग जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट आपका लाइन, इसको बोल सकते हैं एलिमेंट, ये एलिमेंट होएगा, ये एलिमेंट, दिस इज स्टार टैग और दिस इज एंड टैग। दोस्तों फिर बता देता हूँ आपको एक बार, इसको स्टार टैग
और इसको एंड टैग भी बोल सकते हैं, या इसको बिगिनिंग टैग और इसको क्लोजिंग टैग भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी आप इसको बोल सकते हैं। अच्छा, HTML टैग्स नॉर्मली कम इन पेयर्स लाइक पी एंड पी डैश पी। HTML टैग्स आपके नॉर्मली पेयर्स में आएंगे, जैसे पी होगा और स्लैश पी होगा। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पेयर में नहीं होते हैं, जिनका स्टार्ट और एंड टैग एक ही होता है, सिंगल होता है, जैसे बी आर, वो आगे बताएंगे। तो इस तरह से टैग होते हैं, टैग हमेशा पेयर्स में होगी, एक स्टार टैग होगा एक एंड टैग होगा। जैसे H1 ले लीजिए, H1 तो स्लैश H1 हो जाएगा एंड टैग। किसी का स्टार्ट अगर पी होगा तो उसका एंड स्लैश पी हो जाएगा। किसी का अगर टैग टेबल होगा तो उसका एंड में स्लैश टेबल हो जाएगा। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, ओपनिंग टैग बोल सकते हैं, तो क्लोजिंग टैग हो जाएगा आपका। अगर ओपनिंग टैग बोलते हैं तो उसको क्लोजिंग टैग बोलेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि वेब ब्राउजर्स का काम क्या होता है आखिर, तो इनका क्या पर्पज़ होता है। पर्पज़, ब्राउज़र HTML डॉक्यूमेंट्स को रीड करता है। जो आपका ब्राउज़र है वो किस लिए होता है, जैसे क्रोम ब्राउज़र हो गया, आपका क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ये HTML डॉक्यूमेंट्स को रीड करेंगे और उनको डिस्प्ले करेंगे। तो HTML डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले रीड करेगा वो, जो भी उसमें टैग्स होंगे, HTML होगा, बॉडी होगा, हेड होगा, उसमें जो कंटेंट होंगे, और टैग को पढ़ के वो समझेगा कि इनके अंदर का जो कंटेंट है मुझे कैसे डिस्प्ले करना है। तो ब्राउज़र जो होता है वो HTML डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के लिए होता है और उसको डिस्प्ले करेगा। द ब्राउज़र डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स। पहले ही बताया मैंने कि ब्राउज़र टैग्स को डिस्प्ले नहीं करेगा, बल्कि जो उसमें कंटेंट आपने दिया है उसको किस तरह डिस्प्ले करना है वो उसका काम होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। डिक्लेरेशन, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन को किस तरह लिखा जाता है। ये आपका डॉक्यूमेंट टाइप डिस्क्रिप्शन आप चाहे स्मॉल में लिख दीजिए, चाहे कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिए, कि सेंसिटिव नहीं होता है, मतलब स्मॉल में भी चल जाएगा और कैपिटल में चल जाएगा, दोनों में चलेगा ये। और सबसे पहले इसको डिफाइन किया जाता है, इस तरह डिफाइन किया जाता है दोस्तों, डॉक टाइप HTML इस तरह डिफाइंड किया जाता है। इस तरह हम इसको डिफाइन करेंगे। तो आज हमने जाना कि HTML HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कैसे करते हैं, और किस तरह ये आपका सेव होता है। तो इसकी जो डॉक्यूमेंट आपका सेव होगा HTML का, वो डॉट HTML यूज करने से होगा आपका। HTML यानी डॉक्यूमेंट का नाम पहले जो भी इंडेक्स देंगे तो डॉट HTML लेगा। और HTML क्यों यूज़ किया जाता है ये भी आपने सीखा कि HTML वेबसाइट बनाने के लिए जो वेब पेजेस बनाए जाते हैं उसमें HTML यूज होता है। तो HTML लिखते हैं तो वो HTML क्या क्या लिखा जाता है, एलिमेंट्स होते हैं। HTML जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें एलिमेंट्स लिखेंगे आप, एलिमेंट्स जो पेयर ऑफ टैग्स होगा, जिसमें हर एलिमेंट में पेयर ऑफ टैग्स होते हैं, स्टार टैग और क्लोज टैग होता है। तो टैग्स क्यों होते हैं, कि ब्राउज़र उसको समझ पाए कि ये इनके जो अंदर का कंटेंट है वो किस तरह डिस्प्ले होना है। तो HTML हम क्यों यूज किया जाता है, HTML इसलिए यूज करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। तो वेबसाइट में क्या होते हैं, वेबसाइट में पेजेस होते हैं, मैनी पेजेस होते हैं, एक या एक से ज़्यादा पेज हो सकते हैं। तो एक पेज को बनाने के लिए एक HTML डॉक्यूमेंट होता है, दूसरे पेज को बनाने के लिए दूसरा HTML डॉक्यूमेंट्स होता है। तो जितने वेबसाइट में पेजेस होंगे उतने ही आपको HTML उसका उतना ही HTML आपको लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, और हमने भी काफ़ी हेल्पफुल टिप्स आपको दिए और ऐसे देते रहेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप जो भी अच्छा लगा या आपको क्या रिक्वायरमेंट है वो हमारे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सब्सक्राइब, अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जो नए वीडियो आएंगे उनकी इन्फॉर्मेशन, इनका आपके जो नोटिफिकेशन होगा आपके पास जाएगा कि नया वीडियो आया है, तो आप उसको देखें। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और काफ़ी चीज़ें लेकर HTML की। आई होप, मुझे आशा है कि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इससे और मिलती रहेगी। तो इस तरह से आप, ये वीडियो बनाया गया है कि उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो उन